आगरा का ताजमहल हो या पेरिस का आईफिल टावर, पीसा की झुकी हुई मीनार हो या फिर क्राइस्ट द रिडीमर की विशाल प्रतिमा, दुनिया के इन अजूबों को देखने के लिए शहरवासी या पर्यटकों को शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये 7 अजूबे अगले माह से शहर में नजर आने लगेंगे। इनका निर्माण कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है। इन अजूबों को असली 7 अजूबों की तरह हूबहू नकल करके बनाया गया है। वैशाली नगर स्थित महेश्वरी पब्लिक स्कूल के सामने आना सागर झील के किनारे करीब 10 एकड़ की लागत से लगभग 1 हेक्टेयर जमीन में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें पेरिस का आईफिल टावर, मिस्र के पिरामिड, पीसा की झुकी हुई मीनार, रोम द कॉलेजियम, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, क्रश द रिडीमर की प्रतिमा, आगरा का ताजमहल शामिल है। इन सब के चारों ओर 4 दीवारी भी बनाई जा रही है, साथ ही प्रवेश के लिए मुख्य द्वार भी बनाया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अविनाश वर्मा ने बताया कि सभी 7 वंडर लगभग तैयार हैं और इस महीने के अंत तक काम पूरा होने की उम्मीद है। अगले महीने से पर्यटक व शहरवासी इन्हें देख सकेंगे। टाइम 8 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। आगरा का ताजमहल हो या पेरिस का आईफिल टावर, पीसा की झुकी हुई मीनार हो या फिर क्राइस्ट द रिडीमर की विशाल प्रतिमा, दुनिया के इन अजूबों को देखने के लिए शहरवासी या पर्यटकों को शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये 7 अजूबे अगले माह से शहर में नजर आने लगेंगे। इनका निर्माण कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है। इन अजूबों को असली 7 अजूबों की तरह हूबहू नकल करके बनाया गया है। वैशाली नगर स्थित महेश्वरी पब्लिक स्कूल के सामने आना सागर झील के किनारे करीब 10 एकड़ की लागत से लगभग 1 हेक्टेयर जमीन में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें पेरिस का आईफिल टावर, मिस्र के पिरामिड, पीसा की झुकी हुई मीनार, रोम द कॉलेजियम, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, क्रश द रिडीमर की प्रतिमा, आगरा का ताजमहल शामिल है। इन सब के चारों ओर 4 दीवारी भी बनाई जा रही है, साथ ही प्रवेश के लिए मुख्य द्वार भी बनाया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अविनाश वर्मा ने बताया कि सभी 7 वंडर लगभग तैयार हैं और इस महीने के अंत तक काम पूरा होने की उम्मीद है। अगले महीने से पर्यटक व शहरवासी इन्हें देख सकेंगे। टाइम 8 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।